गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पिछले क्लास में हम लोग क्या जाने थे, बेरिंग के ही बॉल बेरिंग के टाइप्स के बारे में जाने थे। आज हम लोग जो क्लास में बात करने वाले हैं वो सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग जो है उसके बारे में। हम लोग सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, यहाँ पे देखना है फ्रिक्शन में हमारा क्या होता है, बुश का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बॉल का प्रयोग किया जा रहा है। क्या हो रहा है, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। तो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग क्या है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग आज के क्लास में अब देखते हैं। ठीक, तो आज के क्लास में हम किस किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं बात, उसके बारे में और उसका क्या यूज है उसके बारे में जानते हैं। ये सब बेरिंग का क्या होता है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले, ये सब बेरिंग ज्यादातर एग्जाम में क्या होता पूछा जाता है, ये सब बेरिंग का फंक्शन क्या है, इसको हम लोग को ध्यान से रखना है। एक ही पॉइंट का लाइन का है, उसको ध्यान से रखना है, वो चीज के बारे में क्या होता है पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सेल्फ अलाइनिंग सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, ये हमारा किसके अंदर आता है, बेरिंग, बेरिंग के अंदर का बॉल बेरिंग जो हमारा है उसके अंदर आता है। इसके अंदर का हमारा ये आता है क्या, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग हमारा किसके अंदर आता है, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग हमारा एक इस प्रकार का बेरिंग है जिसमें वो क्या होता है, शाफ्ट का बेस एंगुलर, शाफ्ट में जो जैसे शाफ्ट हमारा इस प्रकार से सेट होना है, ये शाफ्ट इस प्रकार से सेट ना होने पर इस प्रकार से शाफ्ट हमारा सेट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में भी हमारा बेरिंग शाफ्ट के साथ बेरिंग जो हमारा लगा हुआ है वो आसानी से स्ट्रेट कार्य कर सके, इस प्रकार से इस बेरिंग का डिजाइन किया जाता है कि इसका एंगुलर थोड़ा सा ऐसे रहना चाहिए, पर ऐसे अगर हो गया इसके साथ भी ये क्या कर सकता है, फंक्शन कार्य कर सकता है, एंगुलर मिस एंगुलर होने के कारण भी ये इसमें क्या कर सकता है, कार्य को कर सकता है। इसके लिए इसमें क्या होता है, इसके जो वॉल्स होते हैं वॉल्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पे जो वॉल्स के रो होते हैं उसको थोड़ा सा ग्रुप जो है वो ग्रुप को बड़ा बना दिया जाता है, क्या होता है ग्रुप को बड़ा बना दिया। अदर बेरिंग में क्या था, बॉल में जितना स्पेस है उतना ही बनाया जाता है, इसमें क्या हो रहा है बॉल से थोड़ा सा ज्यादा बना दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है अगर अलाइनमेंट थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो बॉल यहाँ पे ना होकर के बॉल यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉल इधर का यहाँ हो जाएगा, इस प्रकार से वो स्ट्रेट कार्य को कर लेगा। अगर अलाइनमेंट इधर से हो गया है मिस शॉट का, ये बॉल यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉल यहाँ पे चल जाएगा, यही सेम बॉल एक बार यहाँ आया यहाँ आया ऐसे करके इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये आसानी से इसमें कार्य कर लेगा। यानी कि सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग रहेगा तो क्या बात, शाफ्ट का एंगुलर अलाइनमेंट, शाफ्ट का अलाइनमेंट अगर मिस भी होगा तो वो आसानी से कार्य कर लेगा। वो आसानी से कब कार्य कर पाएगा, जब उसमें सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग रहेगा, सेल्फ अलाइनिंग होने के लिए उसमें स्पेस मिलेगी, जैसे कि हमारा बेरिंग हो गया, ये बेरिंग के बीच में जो हमारा ये बॉल लग रहा है इसको बॉल की जगह पे क्या हो रहा है, इस तरह से ग्रुप वाला बन जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है बॉल हमारा यहाँ पे भी रहेगा तो चलेगा, यहाँ पे भी रहेगा तो चलेगा, यहाँ भी रहेगा चलेगा, यहाँ भी रहेगा चलेगा, यहाँ भी रहेगा चलेगा, यहाँ भी रहेगा तो चलेगा। पर कब, अगर इस डायरेक्शन से हमको बेल्ट का प्रेशर अगर ये बीच में रहेगा तो कार्य को करते हुए निकल लेगा शाफ्ट के साथ, अगर थोड़ा सा शाफ्ट में क्या होगा ऐसे शाफ्ट में झुका होगा, थोड़ा सा झुका इस प्रकार से झुका होने के कारण क्या हो अलाइनमेंट बटन गया, तो ये इसके साथ ये वाला बॉल और ये वाला बॉल के साथ बेल्ट के कांटेक्ट करते हुए क्या करेगा, ये आसानी से कार्य को कर लेगा, अलाइनमेंट शाफ्ट इधर झुक जाएगा, इस प्रकार से अलाइनमेंट हो जाएगा, ये बॉल के सहारे से क्या होगा
इस प्रकार से बेरिंग हमारा थोड़ा सा झुक जाए। बेरिंग क्या सेल्फ अलाइनिंग में क्या हो रहा है, बेरिंग स्ट्रेट ना होकर के थोड़ा सा राइट या फिर लेफ्ट कोई भी एंगल पे वो झुक जाएगा, जिस एंगल में हमारा शाफ्ट झुका होगा वो आसानी से वहां पे भी उस परिस्थिति में भी वो पावर को ट्रांसमिट करते रहेगा, वो घूमते रहेगा बिना किसी भी प्रकार के रुकावट। जैसे अदर प्रकार के बेरिंग अगर रहेगा सेल्फ अलाइनिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा, जैसे एंगुलर शाफ्ट हमारा एंगुलर भागेगा तो क्या होगा बेरिंग के बॉल्स को क्रैक कर देगा। क्यों, बेरिंग का बॉल यहीं पे घूमेगा, जब इधर से टेपर झटका पड़ेगा तो बॉल के अंदरूनी हिस्से में क्रैक्स आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि बॉल के ऊपर से कॉन्टेक्ट हमको बॉल के ऊपर, यहाँ बॉल है प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर ना पड़े तो इसके इधर प्रेशर पड़ेगा तो क्या करेगा यहाँ पे क्रैक आएगा, बॉल्स में क्या होगा हमारा क्रैक आएगा। ये ना हो वो आसानी से कार्य करते रहे, इसके लिए इसमें क्या किया गया है अलाइनमेंट का स्पेस दे देता है, जिसके कारण वो क्या होता है आसानी से वो कार्य करते हुए निकल जाता है। ये हमारा क्या था सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयर। अब आगे हम लोग देखते हैं सेल्फ अलाइनिंग के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग। एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग हमारा किस प्रकार से उसका भी पिक्चर देखिए। ये सेल्फ अलाइनिंग कैसे होता है वो पता चल गया आपको, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग हमारा क्या होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग जो है हमारा किस प्रकार से दिखता है उसको हम समझे। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग में क्या होता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग भी हमारा साधारण बेयरिंग की तरह होता है, बस जैसे सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग होता है उसी प्रकार से इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे ये मेरा क्या हो गया शाफ्ट वाला स्पेस हो गया ना, शाफ्ट वाला स्पेस हो गया, इसका पिक्चर पहले हम लोग बना लेते हैं। हमारा कुछ इस प्रकार से एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होने के कारण इसमें अंतर क्या हो जाता है, इसमें हमारा क्या अंतर आ जाता है, ये तो इसका कॉन्टैक्ट एरिया जो बन रहा है हमारा, इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया बन रहा है बेयरिंग का, ये हमारा कॉन्टैक्ट बेयरिंग जो हो रहा है एंगुलर कॉन्टैक्ट होने के कारण यहाँ पे देख पा रहे हैं थोड़ा सा क्या हो रहा है झुकाव में, ये हमारा क्या सब थोड़ा सा एंगल का बना हुआ, जब इसमें एंगल लोड एंगुलर लोड पड़ता है ये बॉल्स क्या होते हैं यहाँ पे एकदम स्ट्रेट ना हो सके थोड़े से एंगल में, जिस प्रकार से हमारा क्या होगा शाफ्ट का लोड पड़ेगा उस प्रकार से थोड़े थोड़े एंगल में ये क्या होगा हमारा बॉल्स भी झुक के इसमें आसानी से कार्य को कर लेगा। ये किसमें संभव हमारा होता है एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग में, ये सब सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग क्या वो एग्जाम्पल पूछ देता है, किसी भी शाफ्ट का एंगुलर मिसअलाइनमेंट होता है या फिर किसी भी शाफ्ट का मिस अलाइनमेंट होता है, शाफ्ट जो है हमारा सेट जहाँ करना होता है फाउंडेशन जहाँ करना होता है वो उसका अलाइनमेंट सही नहीं होता है, थोड़ा सा मिस होता है, थोड़ा सा एंगल मिस्टेक होता है, वहां पे किस प्रकार के बेयरिंग का हम लोग अगर प्रयोग करेंगे तो वो बिना किसी रुकावट के बिना बाधा उत्पन्न किए आसानी तरह से चल देगा। तो वहां पे सिर्फ अलाइनमेंट जहाँ होगा वहां पे सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग का प्रयोग कर लेंगे, या फिर सेल्फ अलाइनमेंट बुश बेयरिंग जो फ्रिक्शन का था या एंटी फ्रिक्शन में पूछेगा सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बेयरिंग का हम लोग प्रयोग करते हुए कर लेंगे,
लेकिन कुछ एक अर्कल सांप हमारा कुछ एंगल में झुका हुआ है, एंगुलर मिसअलाइनमेंट है। अगर एंगुलर मिसअलाइनमेंट पूछ लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग का प्रयोग करते हुए वो कार्य को बिना किसी रुकावट का हम लोग उस कार्य को ले सकते हैं। कौन से बेयरिंग से हम लोग ले सकते हैं, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग का प्रयोग करते हुए हम लोग इसका ले सकते हैं। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग होने के कारण में हमारा क्या हो सकता है, अक्षीय अक्षीय अक्ष के साथ साथ रेडियल कॉन्टैक्ट, मतलब ये हमारा जो बेयरिंग था, ये हमारा जो बेयरिंग था, ये इधर के लोड के साथ साथ इधर के भी लोड को लेके आसानी से चल सकता है। जैसे ये हमारा जो, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये हमारा शाफ्ट है, यहाँ पे बेयरिंग, इसमें इस शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है एक टन का, या फिर 100 kg का, इसके ऊपर तो ये लोड तो पड़ रहा है, ये लोड पड़ रहा, उसके साथ साथ इधर से भी प्रेशर इसको पड़ रहा है, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है कि ये शाफ्ट को इतना झटका प्रेशर दे रहा है कि शाफ्ट इधर निकल ना जाए, और कि शाफ्ट को इधर खिसकने से भी रोकना है, इस तरह से भी लोड को रोकना है, और दोनों तरफ से जो लोड पड़ रहा उसको आसानी से लेके कार्य को करते रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट यहाँ पे देख पा रहे हो क्या था हमारा, एंगुलर थोड़ा सा एंगल में था, एंगल होने के कारण इधर का भी लोड को ले रहा था, यहाँ पे इधर से भी अगर लोड पड़ रहा था तो उसको वो क्या कर रहा था, आसानी से ले रहा था। अक्षीय लोड मतलब क्या होगा, हॉरिजेंटली लोड, और रेडियल मतलब वर्टिकली लोड, रेडियल मतलब वर्टिकली लोड को भी वो आसानी से वो क्या कर सकता है, लेके चल सकता है। लेकिन जहाँ पे जिस जगह पे दोनों प्रकार के ताकत का जरूरत पड़ता है, दोनों प्रकार के लोड का हमको जरूरत पड़ता है, वहां पे ज्यादातर प्रयोग किसका किया जाता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद थ्रस्ट बॉल बेयरिंग देखते हैं, जो कि आज के क्लास का लास्ट है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग हमारा क्या है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग हमारा क्या होता है, इसमें क्या होता है, बेयरिंग वर्टिकल लोड, इसमें हॉरिजॉन्टली एंगुलर में क्या हॉरिजॉन्टली और रेडियल दोनों ले रहा था, लेकिन इसमें वर्टिकल लोड में वर्टिकली लोड, जैसे हमारा ये बेयरिंग अभी तक का जो बेयरिंग हम लोग पढ़ रहे थे, वो बेयरिंग हमारा किस प्रकार से कार्य कर रहा था, बेयरिंग पे जो लोड पड़ रहा था इधर से लोड पड़ रहा था, बेयरिंग पे खींचा हुआ था, लेकिन इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें किस प्रकार से लोड पड़ रहा है, इसमें लोड हमारा किस प्रकार से पड़ रहा है, ये हमारा जो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है, इसमें बॉल लगे हैं, इसमें लोड ऊपर से पड़ रहा है बाहर इधर से, ये लोड पड़ने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पे जब इसमें क्या होता है, दो चीज से इनर रेशा आउटर रेशा होता है, इनर रेस और आउटर रेस दो रेस होते हैं, वो दोनों क्या होता है, इसमें जब वर्टिकली लोड पड़ता है, वर्टिकली लोड पड़ेगा तो क्या होगा, दोनों का अलग होने के चांस रहते हैं, खतरा रहता है। साधारण रूप से अगर बेयरिंग का प्रयोग किया जाएगा, साधारण बेयरिंग का इस प्रकार के बेयरिंग में प्रयोग किया जाएगा, साधारण बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाएगा और उसमें इस प्रकार के वर्टिकल लोड देगा, तो लोड पड़ने के कारण क्या होगा, इनर रेशा आउटर रेशा क्या होगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा, क्या होगा, अलग हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा, वो अलग ना हो उसके लिए क्या किया गया है, थ्रस्ट बेयरिंग का निर्माण किया गया। तो थ्रस्ट बेयरिंग में क्या किया गया है हमारा, थोड़ा सा उसका बेयरिंग को क्या किया गया है, इसमें यहाँ पे ये जो बेयरिंग है हमारा, इसको इस प्रकार से ना यूज करके थ्रस्ट बेयरिंग में हम लोग को क्या किया गया, यहाँ पे बेयरिंग को इस प्रकार से बना दिया गया,
बेरिंग को इस प्रकार से बनाया गया है जिसमें जिसके बीच में हमारा यहाँ पे इनर रेशा आउटर रेशा इस प्रकार से ये हमारा शाफ्ट हो गया, ये हमारा इनर रेशा हो गया, ये होगा इसमें से क्या हो जाएगा हमारा एक इनर हो जाएगा एक आउटर, यहाँ पे हमारा क्या होगा बॉल लगा हुआ है, इसमें क्या होगा बॉल हमारा ये क्या होता है लगा होता है, लेकिन इसमें जब प्रेशर पड़ता है दूसरे से दूसरे से क्या होता है हमारा अलग नहीं होता है, क्यों नहीं होता है क्योंकि ये हमारा थ्रस्ट बेरिंग है, इसको इस प्रकार से डिजाइन किया ही जाता है कि ये प्रेशर पड़ने के बाद में बॉल हमारा क्या होता है अलग नहीं होता, क्योंकि इसका इंटरनली जो क्या है हमारा ये एक इनर होता है एक आउटर प्रेशर, तो इनर प्रेशर या फिर आउटर प्रेशर जो भी है इनर प्रेशर का डिजाइन ही किया जाता है जो हमारा क्या होता है आउटर प्रेशर को भी इस प्रकार से भेद देता है, आउटर प्रेशर हमारा इनर प्रेशर ये हो गया ये हमारा इसके ऊपर जो होता है आउटर प्रेशर वो हमारा यहाँ तक आया हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है जितना भी प्रेशर बॉल पे पड़ता है बॉल के बाद क्या होता है वो जो इनर रेशा जो भी प्रेशर बॉल पे पड़ेगा वो हमारा आउटर रेशा के साथ ये यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, क्या होता है इनर रेशा हमारा आउटर रेशा के साथ क्या होता है जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण जो भी प्रेशर पड़ता है वो हमारा क्या होगा अलग नहीं होगा, बॉल खराब भी हो जाएगा कि बैठ जाएगा तो इसमें दोबारा रिफिलिंग करके हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्रस्ट बेरिंग हमारा किस प्रकार से दिखता है, ये थ्रस्ट बेरिंग ज्यादातर हम रोलर जब रोलर बेरिंग में थ्रस्ट बेरिंग देखेंगे ना तो वहां पे ये ज्यादातर हम लोग को क्लियर समझ में आएगा कि हमारा ये थ्रस्ट बेरिंग किस प्रकार से कार्य करता है, ये बॉल बेरिंग में ज्यादातर इसका डिजाइन अभी जो है समझ में नहीं आया, जैसे ज्यादातर हमारा इनर बेरिंग क्या होता है तो बॉल बेरिंग में इनर प्रेशर और आउटर प्रेशर इस प्रकार से था, इसका साइड व्यू देखें तो ये किसी प्रकार से चूड़ी जैसा बना हुआ है, लेकिन थ्रस्ट में क्या हो रहा था थ्रस्ट में इसका डिजाइन का एक का डिजाइन जो हमारा था वो किस प्रकार से था कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा निकला जिसके कारण जो भी प्रेशर पड़ता है इसके साथ प्रेशर इसमें भी इधर वाले प्रेशर में क्या रहता है बांट देता है, ठीक है। ये हमारा क्या था थ्रस्ट बेरिंग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग रोलर बेरिंग के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे रोलर बेरिंग के बारे में हम लोग उसमें बात करेंगे।